भारत में इन दिनों लगातार मौसम बदल रहा है। कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो कभी तेज धूप। इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से तेज धूप निकल रही है, लेकिन आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बीच मंगलवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बीते दिन दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही धूप खिली हुई थी। दिन के समय भी आसमान साफ रहा, इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 89 से 31% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज क्या रहेंगे हालात? मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके चलते बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे मौसम में हल्की नमी बढ़ेगी। ये बात अलग है कि अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री से ऊपर ही रहने की संभावना है। कैसी है दिल्ली की हवा? फिलहाल दिल्ली की हवा कुछ दिनों से साफ चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 191 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अगले 2-3 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास ही रहने की उम्मीद जताई गई है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।